दोस्तों 10 जनवरी से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है, जो कि बहुत ही शानदार टी20 लीग रहने वाला है, क्योंकि इस लीग में इंडिया के सभी बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे सुरेश रैना, शिखर धवन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव जैसे सभी बड़े दिग्गज खिलाड़ी खेलने वाले हैं, जिसके वजह से यह लीग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इस लीग का पूरा शेड्यूल और पूरा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है, तो आज के इस वीडियो में आपको सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का पूरा डिटेल देने वाले हैं, जहाँ पर इस वीडियो में आपको इस लीग का पूरा कन्फर्म शेड्यूल बताऊंगा कि आखिर कौन से दिन कौन से टीम का मैच होगा, मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचों का लाइव टेलीकास्ट आप कैसे देख सकते हो, इसका लाइव टेलीकास्ट कहां किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हो क्रिकेट के बड़े वाले फैन, तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस पूरे खबर के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया जा रहा है, जहां पर यह लीग 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, जबकि इस लीग का फाइनल मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा। तो लगभग 22 दिन यह लीग चलने वाला है। इन 22 दिनों के दौरान इस लीग में टोटल 102 मैचेस खेले जाएंगे, तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी शानदार लीग रहने वाली है। वहीं उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मैचों के टाइमिंग के बारे में कि आखिर इस लीग के मैचेस कितने बजे से स्टार्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, 22 दिन में 102 मैचेस खेले जाएंगे, तो इस हिसाब से एक ही समय पर बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे। इसी वजह से दो टाइम पीरियड को सेलेक्ट किया गया है। कुछ मैचेस भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होंगे, जबकि कुछ मैचेस शाम 7 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में कि आखिर इस लीग में कितने टीम्स खेलने वाली है और इस लीग का रूल और स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस लीग में टोटल 38 यानी 38 टीमें खेलने वाली है, जो कि इंडिया के सभी राज्य, बड़े सिटी और इसके साथ ही साथ केंद्र शासित राज्य पर आधारित है। और सभी टीमों को 5 ग्रुपों में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ एक प्लेट ग्रुप भी बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सभी टीमों का ग्रुप वाइज नाम बता देता हूं कि आखिर कौन से टीम को कौन से ग्रुप में रखा गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए में 6 टीम खेलने वाली है। पहली टीम है पंजाब, दूसरी टीम है कर्नाटका, तीसरी टीम है जम्मू कश्मीर, चौथी टीम है उत्तर प्रदेश, पांचवी टीम है रेलवे, जबकि छठवीं टीम है त्रिपुरा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी में भी 6 टीम खेलने वाली है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहली टीम है झारखंड, दूसरी टीम है बंगाल, तीसरी टीम है उड़ीसा, चौथी टीम है तमिलनाडु, पांचवी टीम है हैदराबाद, जबकि छठी टीम है आसाम। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी के बारे में। तो ग्रुप सी में भी 6 टीमों को रखा गया है। पहली टीम है गुजरात, दूसरी टीम है महाराष्ट्र, तीसरी टीम है छत्तीसगढ़, चौथी टीम है उत्तराखंड, पांचवी टीम है हिमाचल प्रदेश, जबकि छठी टीम है बड़ौदा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी में भी 6 टीम खेलने वाली है। पहली टीम है गोवा, दूसरी टीम है मध्य प्रदेश, तीसरी टीम है राजस्थान, चौथी टीम है सौराष्ट्र, पांचवी टीम है सर्विसेज, जबकि छठी टीम है विदर्भ। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आखिरी ग्रुप यानी ग्रुप ई के बारे में। तो ग्रुप ई में खेलने वाली 6 टीम कुछ इस प्रकार से है। पहली टीम है आंध्र प्रदेश, दूसरी टीम है दिल्ली, तीसरी टीम है हरियाणा, चौथी टीम है केरला, पांचवी टीम है मुंबई, जबकि छठी टीम है पुडुचेरी। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्लेट ग्रुप के बारे में। तो प्लेट ग्रुप में 8 टीमों को रखा गया है। पहली टीम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरी टीम है बिहार, तीसरी टीम है चंडीगढ़, चौथी टीम है मणिपुर, पांचवी टीम है मेघालय, छठी टीम है मिजोरम, सातवीं टीम है नागालैंड, जबकि आठवीं टीम है सिक्किम। सो फ्रेंड्स, यह रहने वाला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप और उनके टीम। आई होप आपको इस पूरे लीग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस पूरे लीग का कन्फर्म शेड्यूल देख सकते हो, जहां पर आप आसानी के साथ देख सकते हो कि कौन से दिन कौन से टीम का मैच होगा, और आप वीडियो को पॉज कर भी पूरा शेड्यूल देख सकते हो।
सो फ्रेंड्स यह रहने वाला है इस लीग का पूरा कंफर्म शेड्यूल। अब गाइस हम बात कर लेते हैं इस लीग के लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल के बारे में कि आखिर आप इस लीग को लाइव कैसे देख सकते हो। सो फ्रेंड्स इस लीग का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट का नेटवर्क करने वाला है, वही आप अपने मोबाइल फोन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के मदद से भी इस लीग को लाइव देख सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप इस लीग में खेलने वाले सभी टीमों का कंफर्म स्क्वाड जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जहां पर उस वीडियो मैंने आपको इस लीग में खेलने वाले सभी 38 टीमों के स्क्वाड के और उनके कैप्टन के बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए और आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। और क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।